एक वैश्विक महामारी के रूप में उभरे कोरोना ने पूरे समाज को प्रभावित किया है। इससे न केवल बच्चों के शैक्षिक स्तर में कमी आई है, बल्कि उनकी मानसिक स्थिति पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। इस स्थिति से उबरने के लिए उत्तर प्रदेश में निपुण भारत कार्यक्रम के अंतर्गत कई अभिनव प्रयास किए जा रहे हैं, जिनका एकमात्र लक्ष्य उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ रहे सभी बच्चों में बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के सीखने के स्तर को सुनिश्चित करना है। इस पहल का सबसे मुख्य बिंदु है बुनियादी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए कक्षाओं में शैक्षिक एवं विद्या विशेष सुधार लाना। कक्षा 1 से 3 तक के सभी बच्चों को वर्ष 2025-26 तक बुनियादी शिक्षा में सफल बनाने के लिए निपुण लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये निपुण लक्ष्य हमें भाषा एवं गणित के कई मानकों को साझा कर हमारे विद्यालय के बच्चों को बुनियादी शिक्षा में सफल बनाने के लिए प्रेरित करेगा। जब बच्चा अपनी कक्षा के लिए निर्धारित भाषा एवं गणित के लक्ष्यों को प्राप्त कर लेगा, तब वो निपुण विद्यार्थी कहलाएगा। और जिस विद्यालय के कक्षा 1, 2 और 3 के सभी बच्चे इस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे, वो विद्यालय निपुण विद्यालय बन जाएगा। आप सभी शिक्षकों का मुख्य उद्देश्य अपने विद्यालय को निपुण विद्यालय बनाना है। शिक्षा में सुधार लाने के लिए इस दृढ़ निश्चय और प्रण को पूरा करने के लिए शिक्षकों को कुछ नई शैक्षिक सामग्री दी गई है। ये सभी शैक्षिक सामग्री बुनियादी शिक्षा के मानकों पर आधारित है और भाषा एवं गणित के ज्ञान को बढ़ाने में भी मदद करती है। ये सभी सामग्री अत्यंत महत्वपूर्ण है, परंतु इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है इसे एक सूत्र में बांधकर कक्षा में व्यवस्थित रूप से उपयोग करना। इसके लिए शिक्षकों को आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका प्रदान की गई है। इस सत्र में कहानियों, कविताओं और खेलों पर कार्य करने के लिए आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में उपलब्ध शिक्षण योजनाओं को उपयोग में लाया जाएगा। ये पुस्तिका कक्षा 1 से 3 में भाषा और गणित के लिए दी जाएगी। इस पुस्तिका के अंदर कक्षा के प्रभावशाली संचालन के लिए वार्षिक और दैनिक कार्य योजनाएं दी गई हैं। ये शिक्षण योजनाएं निपुण दक्षताओं पर आधारित होंगी और आपकी शिक्षण प्रक्रिया को मजबूत करेंगी एवं बच्चे इसमें दी गई गतिविधियों में सक्रिय रूप से हिस्सा ले पाएंगे। इसके अंदर प्रतिदिन होने वाली सभी गतिविधियों को किस अवधि के लिए करना है, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। पाठ्य पुस्तिका, कार्य पुस्तिका, प्रिंट रिच सामग्री और गणित किट को किस प्रकार से और किस दक्षता को हासिल करने के लिए इस्तेमाल करना है, इन सब का उल्लेख इस संदर्शिका में किया गया है। शिक्षण चक्र एवं संदर्शिका का उपयोग करते हुए भाषा और गणित को प्रभावी रूप से पढ़ाने के बारे में विस्तार से समझने के लिए अगले वीडियो की सहायता लें। संदर्शिका की सहायता लेते हुए व्यवस्थित रूप से शिक्षण कार्य करने और योजनाएं बनाने के लिए शिक्षकों को एक शिक्षक डायरी भी दी गई है। इस डायरी को सुव्यवस्थित करना आवश्यक है। हमारे विद्यालयों में कक्षा की दीवारों पर निपुण सूची चस्पा होगी। निपुण सूची में हमें कक्षा अनुसार भाषा एवं गणित से संबंधित 14 से 16 दक्षताएं बताई गई हैं, जिसे हासिल कर बच्चे बुनियादी शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। इन्हीं दक्षताओं के आधार पर साप्ताहिक एवं सावधिक आकलन भी कराए जाएंगे, जिसके परिणाम रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से बच्चों के अभिभावकों के साथ भी साझा किए जाएंगे। निपुण सूची में दी गई दक्षताओं का आकलन हम निपुण तालिका से करेंगे। दी गई दक्षता के सापेक्ष हम अपनी कक्षा के बच्चों के नाम अंकित करेंगे। जिस दिन बच्चे 1 दक्षता प्राप्त कर लेंगे, हम उनके नाम के आगे उस दिन की दिनांक अंकित कर लेंगे। यदि कक्षा में 30 से ज्यादा बच्चे हैं, तो हम इस तालिका के 2 पृष्ठ लगाएंगे। प्राथमिक कक्षाओं में व्यवस्थित शिक्षण के लिए पाठ्य पुस्तकों और कार्य पुस्तिकाओं का उपयोग किया जाता है। उत्तर प्रदेश में भी
बच्चों के सीखने की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्य पुस्तकों और कार्य पुस्तिकाओं के द्वारा शिक्षण कार्य किया जाएगा। कक्षा 1 से 3 में गणित एवं भाषा के लिए सभी बच्चों को एक एक कार्य पुस्तिका प्रदान की गई है। इस कार्य पुस्तिका में 6 प्रकार के कार्य पत्रक दिए गए हैं, जो साप्ताहिक शिक्षण कार्यों में शिक्षकों की मदद करेंगे। इसके अलावा निपुण लक्ष्य ऐप और गूगल रीड अलोंग ऐप के द्वारा शिक्षक निपुण दक्षताओं पर अपने छात्रों की स्थिति जान सकते हैं। जैसे जैसे बच्चे इन ऐप के द्वारा अभ्यास करते हैं, वो निपुण बनने की दिशा में आगे बढ़ते जाते हैं। इसके अलावा कुछ और TLM यानी टीचर्स लर्निंग मटेरियल भी विभाग द्वारा आपसे साझा किया जा रहा है। सबसे पहले हम अपनी कक्षाओं को प्रिंट रिच समृद्ध कक्षाओं में बदलेंगे। इस संबंध में आपको कक्षा 1 से 3 के लिए भाषा एवं गणित से संबंधित पोस्टर्स और चार्ट्स दिए गए हैं। इस प्रिंट रिच सामग्री में से कुछ सामग्री आप कक्षा की दीवारों पर चस्पा करेंगे और कुछ सामग्री से बच्चों के साथ खेल और गतिविधियां करेंगे। जैसे दंगल के चित्र पर राजू 2 वाक्य बोले या गिनती कार्ड को देखकर रिंकी गिनती बोले। ऐसी अभिनव गतिविधियां हमें लक्षित दक्षताएं हासिल करने में मदद करेंगी। दिए गए चार्ट बच्चों के परिवेश और वातावरण को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, जिससे सभी बच्चे इन गतिविधियों में प्रतिभागी बन सकें। बुनियादी शिक्षा का एक अहम पहलू है बच्चे को खेल खेल में अवधारणाएं सिखाना। इसे ध्यान में रखते हुए बुनियादी शिक्षा से संबंधित गणितीय अवधारणाओं को बनाने के लिए हर कक्षा में एक गणित किट प्रदान की जा रही है। करेंसी यानी नोट से पैसे की समझ, लकड़ी से बने ठोस आकारों से वर्ग और आयत की पहचान जैसी गतिविधियों से हम बच्चों को गणित का ज्ञान दे पाएंगे। छात्रों की सर्वांगीण विकास के लिए इन सब के अलावा उन्हें एक अच्छा साहित्यिक वातावरण प्रदान करने के लिए प्रत्येक विद्यालय में पुस्तकों से सजी लाइब्रेरी के साथ साथ बैठकर पढ़ने के लिए रीडिंग कॉर्नर भी तैयार किया जा रहा है। इस नई शैक्षिक विधि को कक्षा में लागू करने के लिए ARP यानी एकेडमिक रिसोर्स पर्सन शिक्षकों का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करते हैं। ये पर्यवेक्षण चेकलिस्ट के अनुसार किया जाता है। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत चल रही शैक्षणिक और प्रशासनिक हस्तक्षेपों पर प्रदेशवार प्रगति की समीक्षा करने के लिए निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर का उपयोग किया जाता है। NBMC से प्राप्त हुए डेटा के आधार पर संपूर्ण प्रदेश में डेटा बैक्ड मॉनिटरिंग की जाती है। ये डेटा जनपद, खंड और विद्यालय स्तर पर प्राप्त होता है और इसको सॉर्ट और डाउनलोड भी किया जा सकता है। इसके अलावा आप सभी शिक्षकों के कौशल विकास के लिए दीक्षा ऐप के द्वारा प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है और इसके कोर्सेज भी आपसे साझा किए जा रहे हैं। इस कोर्स को पूरा करके अपनी समझ को बढ़ाएं। कोर्स को सफलतापूर्वक करने पर आपको प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। शिक्षा के एक क्षेत्र में किए जा रहे इन सुधारों को दिव्यांग बच्चों और आउट ऑफ स्कूल बच्चों तक भी पहुँचाया जाएगा, जिससे वो भी शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ सके। शिक्षा के क्षेत्र में लगातार किए जा रहे इन सभी प्रयासों के द्वारा ही आज हमारा उत्तर प्रदेश निपुण प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है।